क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि एक इलेक्शन में उम्मीदवार के पक्ष में वैध मतों की संख्या यानी कि वैलिड वोट की संख्या आपसे पूछी गई है। अगर एक कैंडिडेट को कुल वोट्स का 75% प्राप्त होता है और उसमें से 5% वोट जो है अवैध घोषित किए जाते हैं, आपको बताना है कि अगर टोटल वोटर की संख्या कितनी है 1,46,000 थी, तो आपको बताना है कि उस चुनाव में उस उम्मीदवार को, उस कैंडिडेट को कितने वोट प्राप्त हुए। देखो टोटल वोट तो हमें पता है कि 1,46,000 है, मान लो कि इनमें से 5% वोट अवैध हो गए यानी कि 95% वोट बचे होंगे। अब 95% वोट में से उस उम्मीदवार को 75% वोट प्राप्त हुआ, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से आपका ये कट जाएगा। अगर मैं 5 से काटूँ तो 19 × 5 = 95, 5 × 2 = 10, 2 से भी ये कट जाएगा, 2 × 7 = 14 और 2 × 3 = 6। जो हमें मल्टीप्लीकेशन करना है 73 × 19 × 5, तो 9 × 5 = 45 और 3 × 15, यानी कि लास्ट में 5 आना चाहिए और मेरे ख्याल से 5 जो है एक ही ऑप्शन में, तो आगे आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 1,04,025 वोट जो है उस उम्मीदवार को मिले थे। ठीक है भाई, हमने इसको यूनिट डिजिट से करा क्योंकि सब में जीरो है, जीरो तो यहाँ से आने की संभावना है ही नहीं और लास्ट में एक ही 5 ऑप्शन में है, तो आप ऐसे करके कैलकुलेशन से बच सकते थे।